से मैं पूरा दिन व्लॉग करने वाली हूँ क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले गुड मॉर्निंग, जी हाँ आपको तो मैंने विश ही नहीं किया गुड मॉर्निंग। बाहर वैसे बारिश हो रहा है, काफ़ी अच्छा सा मौसम है, पर ये अच्छा सा मौसम में प्रॉब्लम क्या होता है ना, बाहर में कोई शूट नहीं होता है, तो वही एक प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या कर सकते हैं कि नहीं, पर फिलहाल तो व्लॉग देखते रहिए एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। व्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद। एंड लेट मी जस्ट गो गेट फ्रेशन अप, क्लीन अप द रूम एंड आई विल सी यू गाइस इन अ बिट्स। गुड मॉर्निंग। तो नीलांजना आने से पहले मुझे काफ़ी सारा काम था क्योंकि मेरे घर का हालत बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो को एडिट पे लगा दिया, इसको मैंने कल रात को एडिट करके रखी थी, पर इसको रेंडरिंग करने देना था, सो इट विल जस्ट गो ऑन रेंडरिंग व्हाइल आई डू द रेस्ट ऑफ द रूम चोर्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने बिस्तर को साफ करना से। यू नो माई मॉम इज़ गेटिंग सो हैप्पी राइट नाउ बिकॉज आई एम क्लीनिंग अप माई बेड, जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि आज मेरे दोस्त आ रहा है इसलिए मैं टाइम से हर चीज़ क्लीन कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी इतना अच्छा बच्ची नहीं हूँ, मैं कई बार देर तक बिस्तर को ऐसे छोड़ देती हूँ, अपना काम करने बैठ जाती हूँ, एकदम रात में सोने से पहले क्लियर करती हूँ जब तक कि मुझे अपनी मम्मी से डांट ना पड़े। जी मैं भी ऐसा करती हूँ, पर हाँ आज मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और अब देख सकते हो मैं बेड शीट भी पूरा चेंज कर रही हूँ ताकि यू नो माई रूम इज ऑल क्लीन एंड एवरीथिंग। तो बिस्तर को क्लीन करने के बाद आई एम गोना मूव ऑन टू द रूम क्लीनिंग बिकॉज अगेन मेरे रूम भी बहुत ही ज़्यादा डर्टी होके रखा है अब, इसीलिए मैं पूरा रूम को अच्छे से क्लीन करके झाड़ू मार रही हूँ और सारे चीज़ों को अंदर कर रही हूँ। मेरे लाइट्स जो है इधर उधर बिखर के पड़ा हुआ है तो मैं उसको भी सही से रख रही हूँ। और मेरे डेस्क का हालत तो आप पूछो ही मत, देख लो आप मेरा डेस्क का हालत कैसा है, बॉटल मेकअप कप माउस हर चीज़ छितरा के इधर उधर पड़ा हुआ है, इट्स फुल ऑफ डर्ट। और ये जो एरिया है ना मैं हर रोज़ दिन में दो बार साफ करती हूँ पर फिर भी पता नहीं क्यों डर्टी हो जाता है, बिकॉज मोस्टली मैं उसी जगह पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ अपने काम के लिए, शायद यही रीज़न है नो डाउट, बट यू नो फेवरेट स्पॉट जो होता है ना सबसे पहले डर्टी होता है, जस्ट टू लेट यू गाइस नो। तो पूरा डेस्क को मैं अच्छे से झाड़ पोछ के साफ किया, अपने सॉफ्ट बॉक्स को अंदर रखा और अभी मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ मैं ये सारे चीज़ों को बाल बांध के भी कर सकती थी, इससे मुझे गर्मी थोड़ा कम लगता। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं मैं थोड़ी सी ट्यूबलाइट हूँ, एक बार जो दिमाग वाला चीज़ है थोड़ा सा देर से मेरे यू नो दिमाग में आता है जैसे कि अभी आया। यहाँ पर अभी मैं थोड़ा देर नीलांजन आने से पहले जीनी के साथ स्पेंड कर रही हूँ और वो इंस्पेक्शन करने के लिए बाय द वे बैठा हुआ है मेरे बेड पे और मैं उसको तंग कर रही हूँ। आज आप पहली बार देखोगे कि मैं कैसे जीनी को तंग करती हूँ। जी हाँ अब पहली बार देखोगे, आप तो जीनी को देखे हो ना तंग करते हुए, मुझे तो नहीं देखे उसको तंग करते हुए, आप देखोगे। नीलांजना से मैं बात कर रही हूँ और उसके साथ बात करने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ जीनी के साथ कुछ सेल्फी खींचने का। तो बहुत सारा अटेम्प्ट ले रही हूँ, इतना सारा अटेम्प्ट ले रही हूँ पर मुझे कोई भी सेल्फी अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एक बार जीनी हिल रहा है या फिर एक बार पोजीशन गलत है या पर एक बार लाइटिंग सही नहीं, इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। मेरे सेल्फी खींचने से तंग आके जीनी लास्ट में यू नो दूरी हट गया, उसको लग गया कि भाई तुम खींच लो अपना सेल्फी, मैं बाद में जाके तुम्हारे बगल में बैठ जाऊँगी। और अभी मैं अपने रूम को साफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारे प्रोडक्ट्स को निकालूंगी जिसको लेके मैं आज रात को शूट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क है तो मेरे पास रेस्ट लेने का फिलहाल कोई टाइम नहीं है। लूँगी रेस्ट लूँगी तो और भी काम डिले होगा, तो तुरंत अच्छे से डिनर करके मैं शूट करने बैठ गई। और यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड को सेट कर रही हूँ, फिर अपने सेट टॉप बॉक्स को लगा रही हूँ, हर चीज़ को अच्छे से रेडी कर रही हूँ ताकि मैं बैठ पाऊँ शूट करने के, तो ताकि मैं शूट करने बैठ जाऊँ। तो शूट करते करते एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट अगला दिन सुबह हो गया क्योंकि मेरा इतना सारा पेंडिंग काम था कि मैं उसे छोड़ के नहीं उठ पाई। तो अभी मैं फाइनली रैप अप कर सकती हूँ आज के लिए क्योंकि आज का दिन का तो स्लॉट कंप्लीट हो गया और मेरे अंदर और एनर्जी है नहीं। तो सारे लाइट्स को और चीज़ों को मैं वापस रख रही हूँ, मेकअप को भी मैं वापस से अंदर में रखूँगी और फिर बैठूँगी थोड़ा सा अपने मुँह को क्लीन करने के लिए बिकॉज आई रियली नीड टू टेक रेस्ट नाउ। मैं सोचा था मेरा कल रात को एक काम ख़त्म हो जाएगा पर हुआ नहीं, अभी बज रहा है सुबह का 11:30 बजे, मतलब मैं कल रात अराउंड 12:30 बजे से काम करना शुरू किया क्योंकि उससे पहले मैं एडिटिंग कर रही थी।
तो शूटिंग लगभग 12:30 वाओ 12:30 आई स्टार्टेड एंड नाउ इट्स 11:30 ऑलमोस्ट 12 आवर्स आई एम कॉन्स्टेंट आई एम जस्ट वर्किंग एंड नाउ आई एम डन विद माई वर्क स्टिल नॉट कम्प्लीटली डन स्टिल देर इज क्वाइट अ नंबर ऑफ शूट विच इज लेफ्ट यू नो विच आई नीड टू डू पर यू नो द बेसिक द मेन स्टफ जो मुझे करना था वो हो गया है क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शायद मेरे नींद की वजह से सो प्लीज़ डोंट माइंड स्क्रब से तो मैं इनातूर का जो स्क्रब है ना मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं पर इनातूर का जो स्क्रब है मैं वही यूज़ करूँगी क्योंकि यू नो इतना सारा मेकअप के बाद थोड़ा सा एक्सफोलिएशन ज़रूरी होता है ताकि आपका डेड सेल कोई भी यू नो डर्ट गंक कुछ भी रिमेनिंग मेकअप सब निकल जाए पोर्स आपके पूरा क्लियर और क्लीन हो जाए और साथ में मैं VLCC आयुर्वेदा का हल्दी चंदन फेस वॉश यूज़ करूँगी क्योंकि स्क्रब को लगाने के बाद आई एम जस्ट गोना गो एंड यू नो अप्लाई द फेस वॉश एंड डायरेक्टली कम बैक फाइनली माई फेस फील्स फ्रिकिंग गुड ट्रस्ट मी इट डज तो I've just taken out every bit of product from my face, but still I feel that there is a little bit of remnant. So I'm going to use this makeup wipes. I got this makeup removing wipes from Jyoti Jaya store. They're priced at 60. Comes in mini pouches, mostly for eye makeup and really, really mild. Work well on mascaras and kajals. So I'm just lashes a bit and it will just going to take out any extra product. Just look at this. It will take out any extra product which is there. So all the dirt removed. So now I'm gonna move on to a face mask and I'm thinking of trying out this Aranyam Hydra Radiance face mask. I received it with my Euphoria box, so why not try it out? So I'm just gonna apply it on all over my face, leave it for 15 to 20 minutes and then wash it off. It is just, so I've applied the mask onto my face and now I'm gonna leave it for 15 to 20 minutes and after that I'm gonna wash it off. It does feels really, really cooling. It has a strong smell or pungent you can say, but it is not bad. It could be pretty strong. Agar aap aisa koi ho jisko bahut zyada strong fragrance pasand nahi hai to shayad aapko ye problem ho sakta hai, but I feel it's okay because ye mask hai aur skin care product mein thoda sa fragrance hota hai. Ye thoda sa strong hai, but क्योंकि मास्क है आप एनी वे इसको निकाल ही दोगे. ये कोई क्रीम वेम नहीं है कि आपको लगा के रखना है. एक्चुअली मेक्स माई स्किन फील ड्राई और एनीथिंग विच इज नाइस. सो नाउ आई एम गोना मूव ऑन टू टोनर. फॉर टोनर मैं सोच रही हूँ मैं यूज करूँ स्किन क्लैरिफाइंग टोनर बाय ओलेवा क्योंकि ये नाउ दिस इज अ अल्कोहल फ्री टोनर विद फ्रूट एंजाइम विच इज गुड बिकॉज माई स्किन डज रिक्वायर सम फ्रूटी गुडनेस टू जस्ट यू नो एनरिच इट विद अ बिट ऑफ नरिशमेंट. तो बाय द टाइम द टोनर इज गोना गेट अब्सॉर्ब्ड आई एम गोना मूव ऑन टू माई सीरम. तो मैं यूज करूंगी वाओ का एंटी रिंकल सीरम. तो बहुत टाइम आप लोग मुझसे पूछते हो कि क्या आप लोग यू नो एंटी एजिंग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो यू नो इफ यू आर बिलो 25. तो मैं बोलूँगी आप आराम से कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर अबाव 20. द रीजन मेन जरूरी नहीं होता है कि आपको रिंकल्स या फाइन लाइन्स या कोई भी पिगमेंटेशन जैसे एंटी एज जो एज साइंस होता है वो सिर्फ आपके उम्र के साथ ही हो. नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है. कई बार एनवायरमेंट के वजह से आपके हार्मोनल प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन या फिर यू नो प्रॉपर टेकिंग केयर नहीं करने से भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकता है. तब भी आपको यही एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ करना होगा ताकि यू नो दोज थिंग्स कुड रिड्यूस एंड गेट वेल विद टाइम, ताकि आपका स्किन का टाइटनेस बढ़े. तो हाँ, हम लोगों में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा है, आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब प्रॉब्लम होगा तब हम लोग यूज़ करेंगे, पर ऐसे नहीं होता है. देर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड द रीज़न व्हाई इट इज़ बीन सेड ताकि चीज़ें होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करें. एज जो साइन होता है वो तो आनी ही है, सबको आएगी, लेकिन आप जितना टाइम तक उसको रिड्यूस रख पाए, प्रिवेंट कर पाए और आपका स्किन अगर एज साइन आए भी तभी आपका स्किन फ्रेश लगे, क्लीन लगे, हेल्दी लगे, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपको पता नहीं मैं कौन सा क्रीम लगा रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ अरण्यम का सैफ्रन डे क्रीम. वैसे तो दिन हो ही गया है तो मैं अभी नाइट क्रीम और नहीं लगाऊंगी, मैं ये डे क्रीम ही लगाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, रात में फिर नाइट क्रीम लगाऊंगी. यू नो इट साउंड्स गुड. और मैंने एरोनियम का भी फेस पैक यूज़ किया तो मैंने सोचा कि ना क्रीम भी लगा लूँ उसी ब्रांड का. और मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है. नेचर्स को जो आई क्रीम है उसको लूँगी क्योंकि इट्स अ कूलिंग वन एंड इट विल रियली रियली रिलैक्स द एरिया अराउंड माई आई.
feels so good. It is a really really nice eye cream. I love this, my favorite one. ये बातों से, ये बड़बोला से मेरा, I hope मेरा ये बातों से आपका कोई भी confusion होगा तो दूर हो गया होगा, नहीं होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं कोई वीडियो में बता दूंगी फिर से अलग से ऐसे कोई प्रोडक्ट लेके करूंगी तो stay tuned for that. मेरा स्किन केयर वैसे हो गया है, आई एम ऑल फीलिंग गुड राइट नाउ. मैं अभी व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूंगी और अपने लिप बाम को लगा लूंगी. मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी लिप्स का स्पाइस्ड अप लिप बाम. ये मेरा फेवरेट है, आई लव दिस वन. इट जस्ट गिव्स अ नाइस टिंट एंड ऑल्सो यू नो कीप्स योर लिप्स मॉइस्चराइज फॉर अ गुड टाइम विच आई लाइक. एंड या मेरा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अभी सोने के लिए. बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी फिर सोऊंगी. जी हाँ, अभी मुझे नींद ही आ रहा है. आई एम लाइक आई डोंट नो, आई एम होपलेस. एनीवे, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, अगर आपने पूरा दिन मेरे साथ एंजॉय की, नीलांजना के साथ एंजॉय की, ढेर सारा एंजॉय किया, तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड गिव इट सम लव. Please do not forget to give your love to Nilanjana as well. I will provide a channel link in the description box. Do check out her channel. She is an amazing blogger and does lots of amazing videos and vlogs as well. और हाँ, मेरे चैनल को तो ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती. और मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ देर के बाद. नहीं नहीं, फिर अगले व्लॉग में या वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग.